प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है। गौवंश से भरे 8 वाहनों को पकड़ा गया है। गौ हत्या की आशंका में सामाजिक संगठनों का हंगामा। लोगों ने की वाहनों में तोड़फोड़। सूचना पर मौके पर पुलिस बल पहुंचा। सामाजिक संगठन और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की हुई। NH 56 पर 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सामाजिक संगठनों ने पुलिस बल प्रयोग का आरोप लगाया है। विरोध प्रदर्शन के लिए भीड़ ने कोतवाली थाने की ओर कूच किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं प्रतापगढ़ से, जहां गौवंश से भरे 8 वाहनों को पकड़ा गया। गौ हत्या की आशंका में सामाजिक संगठनों का ये हंगामा और लोगों ने इस दौरान वाहनों में तोड़फोड़ भी कर दी। इसके बाद जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश की गई है, लेकिन इस दौरान देखिए NH 56 पर एक लंबा जाम लग गया है। 2 किलोमीटर का जाम लग गया और ऐसे में जो राहगीर हैं या जो लोग आमजन हैं जो आ जा रहे हैं वाहनों से, उन लोगों को भी समस्या हो रही है, जाम में फंसे हुए हैं। और सहयोगी चिराग हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चिराग, क्या कुछ जानकारी, क्या पूरा ये मसला था? जी, ये सब मामला शहर का है। जब 8 गोवंश से भरे हुए ट्रक शहर के मध्य से गुजर रहे थे और ये गांधी चौराहे पर पहुंचे तो सामाजिक संगठन के जो कार्यकर्ता हैं उनको सूचना मिली थी कि गोवंश की तस्करी कर ले जाया जा रहा है। इस पर सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने चौराहे पर ही ट्रकों को रुकवा दिया और उसके बाद हंगामा खड़ा कर दिया। यहाँ पर सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं ने ट्रकों के कांच भी फोड़ दिए। सूचना मिलते ही जो कोतवाली थाना पुलिस है वो मौके पर पहुंची और पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके सारे कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया और ट्रकों को अपने कब्जे में लेकर के थाने पर पहुंची। इसके बाद में जो कार्यकर्ता है वो भी थाने पर पहुंचे और वहां पर जाकर के उन्होंने प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस जो है उन्होंने अभी इस मामले में जांच कर रही है और पुलिस अभी ज्यादा जानकारी ले रही है कि ये गोवंश कहां से भरकर लाए जा रहे थे। आज जो ट्रकों के जो चालक थे उनका कहना है कि ये मेलर से गोवंश भरकर के लेकर के आ रहे थे। अब पुलिस जो है इन सारे दस्तावेजों की जांच करेगी, उसके बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। अच्छा चिराग, ये जो जाम लगा हुआ है उसको लेकर क्या जानकारी, क्या ये जाम अब क्लियर कर दिया गया है पुलिस की तरफ से? जी बिल्कुल, क्योंकि सूचना मिलते जब पुलिस मौके पर पहुंची थी और काफी देर तक हंगामा चला था, तो इसके चलते क्योंकि NH होने के कारण से यहाँ पर वाहनों का लगातार आवाजाही लगी रहती है और ये हंगामा क्योंकि चौराहे पर ही हो गया था तो जिसके चलते कुछ ही देर में जाम लग गया था। हालांकि पुलिस ने पहुंचने के बाद लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद में जाम को खुलवा दिया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चिराग जानकारी के लिए।